सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिद्यो गेमिंग। आ चुका हूँ आप लोगों के लिए और एक ज़बरदस्त गेम प्ले लेकर। आज का गेम प्ले भाई लोग न्यूयॉर्क टेबल में होने वाला है, तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना और देखते रहना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है, इट्स ए प्रॉमिस टू यू। तो प्लीज़ भाई लोग वीडियो पूरा एंड तक आप लोग देखिए। वाह क्या सीन है। और भाई लोग यहाँ पे आप लोगों ने एक सीन देख लिया होगा, और यहाँ पे एक और सीन देखिए अपना ओपोनेंट भाई साहब के साथ क्या होता है सीन। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आप लोग ही बताइए भाई लोग, अपना ओपोनेंट भाई साहब लुलु बॉक्स से गेम प्ले कर रहा है या नहीं, प्लीज़ नीचे ज़रूर बताना कमेंट करके। और चलो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब ने मिस कर दिया है और यहाँ पे हमारा टर्न आ चुका है। तो अब हमें गेम प्ले को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं गेम प्ले की टॉपिक। और भाई लोग गेम प्ले की टॉपिक चालू करने से पहले भाई लोग बता दूं, मेरा नाम है मोहम्मद हाशिमुद्दीन, आप देख रहे हो रिदोय गेमिंग। और भाई लोग अगर आप लोग इस चैनल पर नया हो तो एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि रिदोय गेमिंग की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही हम एक नया वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। मज़ा आया। तो यहाँ पे एक सीन देख लिया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 6 पाक पोर्ट हो चुका है हमारा, और बचा हुआ है 3 पाक और क्वीन। और किस तरह से हम गेम प्ले को करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखना। तो चलो सबसे पहले अपना ये लास्ट नीचे वाले पाक को मार के अब हमें क्वीन को मार के अपना ओपोनेंट भाई साहब के पाक को हटाना है, नहीं तो अपना लास्ट वाले पाक मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किस तरह से मारता हूँ ये आप लोग ध्यान से देखना भाई लोग। तो शॉट देख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे चलो इसे कट मारते हुए अपना लेफ्ट वाले फ्रेम में जो पाक है इसे भी हमें रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे एकदम बैलेंस के साथ कम पावर यूज़ करके मारेंगे। तो यहाँ पे देखो परफेक्टली रिलीज़ हो चुका है, और इसे मार के हम बढ़ते हैं अगले वाले गेम प्ले में। तो चलिए भाई लोग अगले वाले गेम प्ले में, तो चलिए भाई लोग अगले वाले गेम प्ले में। और यहाँ पे लग चुका है भाई लोग रुआतिया, क्या नाम है भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नाम है। और यहाँ पे हमने स्टैक लगाया, पर सीन क्या होता है भाई लोग ये आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिएक्शन आ रहा था भाई लोग, ऐसा लग रहा है कि कचरे का डब्बा में भाई लोग जाके मोबाइल को फेंक देने गए। तो कोई बात नहीं भाई लोग, अपने यहाँ पे मिस हो चुका है, पर क्या करते हैं। चलो अपना ओपोनेंट भाई साहब का टर्न आ चुका है, देखते हैं कि अपना ओपोनेंट भाई साहब किस हद तक गेम प्ले करते हैं, बोर्ड को पूरी तरह से फिनिश कर पाते हैं कि नहीं, बस हमें वही देखना है। और स्ट्राइक हमें रिटर्न आते हैं कि नहीं हमारे पास, फिर वही देखना है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना ओपोनेंट भाई साहब ने 3 पाक पोर्ट कर लिया है और बचा हुआ है 6 पाक और क्विक। और यहाँ पे सीन देखिए भाई लोग किस तरह से कट मार रहे हैं। तो चलो रुको जरा, सबर करो। तो चलो कोई बात नहीं भाई लोग, अपना ओपोनेंट भाई साहब ने यहाँ पे एक और पाक को पोर्ट कर लिया है और बचा हुआ है 4 पाक और क्वीन। और अब देखते हैं कि आगे कुछ किस तरह से गेम प्ले करते हैं अपना ओपोनेंट भाई साहब। तो यहाँ पे कनेक्शन ले रहा है, तो चलो परफेक्टली कनेक्शन पोर्ट हो चुका है, और अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाते हैं। तो बहुत ही टफ पोजिशन है मैं अपना ओपोनेंट भाई साहब। ओ भाई यहाँ पे क्या शॉट लगाया अपना ओपोनेंट भाई साहब ने, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि अपना ओपोनेंट भाई साहब किस तरह से गेम प्ले करते हैं। किस बात के लिए खुश हो इतने? तो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब ने मिस कर दिया है लास्ट वाले पाक में, क्वीन मार के अपना ओपोनेंट भाई साहब ने मिस कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मिस सभी से होता है भाई लोग, और मिस का दूसरा नाम है क्रम, आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले मैं बहुत बार आप लोगों से बताया होगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे गेम प्ले को फटाफट से फिनिश करते हैं और बढ़ते हैं अगले वाले गेम प्ले में। तो चलो क्वीन को ले लेंगे, क्वीन पोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसे मार के दे देंगे कवर, तो ये भी पोर्ट हो चुका है। चलो और अब ऊपर वाले पाक को मारेंगे, तो ये भी पोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमें एक इनडायरेक्ट लेना पड़ेगा बॉटम वाली लेफ्ट पॉकेट में, मज़ा आया सॉरी भाई लोग, बॉटम वाली राइट पॉकेट में। तो चलो परफेक्टली इनडायरेक्ट पोर्ट हो चुका है, और इसे मार के हम लास्ट वाले पाक को मार के, तो चलो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब कट करके चले जा चुका है। और चलते हैं अगले वाले गेम प्ले में, और यहाँ पे व्हाइट भाई के साथ अपना गेम प्ले लगता है, और यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब के साथ दो दो गेम प्ले होता है भाई लोग, एक साथ में दो गेम प्ले। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब का टर्न है, 2 पाक पोर्ट कर लिया है, और आप देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाते हैं अपना ओपोनेंट भाई साहब, बोर्ड को पूरी तरह से फिनिश कर पाते हैं कि नहीं, बस हमें वही देखना है और इंतज़ार करना है स्ट्राइक वापस आने का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब ने शॉट लगाया, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया। तो चलो कोई बात नहीं, 4 पाक पोर्ट हो चुका है, बचा हुआ है 5 पाक और क्वीन, और यहाँ पे क्वीन को कट मार रहे। चलो यहाँ पे क्वीन भी परफेक्टली पोर्ट हो चुका है, और अब देखते हैं कि अपना ओपोनेंट भाई साहब किस तरह से गेम प्ले करते हैं। तो इससे शायद कट मारने का सोच रहे, तो यहाँ पे भी ये भी परफेक्टली कट पोर्ट हो चुका है और बचा हुआ है अब 4 पाक। अब देखते हैं कि किस तरह से अपना ओपोनेंट भाई साहब गेम प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई लोग यहाँ पे तो 100% मिस होने वाला है, इनडायरेक्ट लगाने का कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट पोर्ट होते हैं कि नहीं।
कुछ भी। तो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब का इनडायरेक्ट मिस हो चुका है और स्ट्राइक हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें गेम प्ले को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पूरा पक श्योर दिख रहा है पर हमें गेम प्ले को थोड़ा कम पावर यूज करके बैलेंस के साथ गेम प्ले करना पड़ेगा। तो एकदम ही कम पावर यूज करके हमें गेम प्ले करना पड़ेगा भाई लोग। एकदम कम पावर यूज करके बैलेंस के साथ ध्यान से हमें पाक को हिट करना पड़ेगा। तो पूरा पाक ही श्योर है, बस हमें कम पावर यूज करके ही मारना है पाक को। तो चलो, पांच पाक कोट हो चुका है, बचा हुआ है चार पाक। और यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब का इमोजी आप लोग देखिए भाई लोग, क्या अतरंगी इमोजी भेज रहा है। कोई बात नहीं भाई लोग, होते हैं सभी से, मिस हो गया तो क्या करेंगे भाई लोग, कुछ नहीं कर सकते ना भाई लोग। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ भाई लोग, पाक मारने से पहले आप लोग सोचिए, पाक मारने के बाद आप लोग अगर सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलो इसे मार के फटाफट से बढ़ते हैं लास्ट वाले गेम प्ले की तरफ। तो चलिए लास्ट वाले गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं और इसी अपना व्हाइट बाइक के साथ फिर से एक और मैच लगता है। और चलो यहाँ पे हमारा टर्न आ चुका है, यहाँ पे हम स्ट्राइक लगाए, एक पाक पोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे सीन क्या होने वाला ये भी आप लोग ध्यान से देखना भाई लोग, अपने को साथ भी क्या सीन होता है। तो चलो यहाँ पे मैं रुको जरा सबर करो, परफेक्टली यहाँ पे कनेक्शन मार दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, कनेक्शन तो परफेक्टली पोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्या सीन होने वाला ये भी आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक और कनेक्शन, यहाँ पे देखो परफेक्टली ये भी कनेक्शन पोर्ट हो चुका है। और अब हमें गेम प्ले को किस तरह से करना है भाई लोग, ये भी आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस वाले पाक को कट मारेंगे बॉटम वाले लेफ्ट पॉकेट में। तो चलो ये पोर्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई लोग, लेफ्ट वाली फ्रेम में अपना एक पाक फंस चुके हैं। और इस पाक में अपना क्या सीन होने वाला है भाई लोग, ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना। तो चलो यहाँ पे मैं कुन को मारूंगा अभी। तो यहाँ पे मैं कुन को किस शॉट लगाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाई लोग कितना परफेक्टली किस शॉट पोर्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई लोग, इस वाले पाक को ले लेंगे। तो चलो ये पोर्ट हो चुका है और अब हमें कुन का कनेक्शन, सॉरी किस शॉट लेना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि अपना ऊपर वाले फ्रेम में जो पाक है ये भी रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे मैं परफेक्टली किस शॉट लगाता हूँ भाई लोग, मज़ा आया। तो यहाँ पे परफेक्टली किस शॉट पोर्ट हो चुका है और इसे मार के हम फिर से, और यहाँ पे सीन देखिए भाई लोग क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई लोग, मैं इतना कम पावर यूज करके पाक को हीट कर रहा था, पर यहाँ पे देखिए क्या हो गया। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, पूरा मूड खराब हो गया है भाई लोग। तो चलो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब का गेम प्ले को मैं थोड़ा कट कर लिया, ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा बहुत बच जाए। और यहाँ पे क्या सीन होने वाला है ये भी आप लोग ध्यान से देखना। जली ना तेरी भी जली ना भाई लोग, इस वीडियो में बस आप लोगों से इतना ही बोलने वाला था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पे अपना श्री गुरुजी का एक शॉट देखिए भाई लोग, खास करके भाई लोग मैं एकदम 100% बॉटम ऑफ दी दिल से कह रहा हूँ भाई लोग, ये शॉट मैंने श्री गुरुजी से ही डिस्कवर किया है। तो ये शॉट आप लोग देखिए और बताइए मेरे को नीचे कमेंट करके कैसा लगा ये शॉट आप लोगों को। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाई लोग वीडियो पसंद आ गए तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कर लेना। तो भाई लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग ऑलवेज स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई। तो भाई लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम भाई लोग।